लगा हुआ है रुद्रा फिल्म का जो मेरा किरदार है अब तक की रुद्रा मेरी फिल्म जो है अब तक की सबसे अलग फिल्म है। पहली बार मैं एक चैलेंजिंग किरदार में आ रहा हूँ। बाप भी मैं हूँ बेटा भी मैं हूँ। तो बाप होता है, अपने ही बाप का किरदार करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग होता है किसी भी एक्टर के लिए। तो कुछ अच्छी तैयारियां हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश भारद्वाज जी ने बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट लिखवाई है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है उस तरीके का वो मेकिंग भी करेंगे और बहुत ही यादगार फिल्म बनाएंगे। ये कहानी सही मायने में तीन हीरो की है, एक मैं, दूसरा भी मैं और तीसरा घोड़ा। मैं अर्थात यश कुमार, दूसरा मैं अर्थात यश कुमार का बाप यानी कि वो भी यश कुमार, और तीसरा यश कुमार यानी तीसरा फिल्म का जो हीरो है हमारा घोड़ा है। पहली बार आप देखेंगे कि रुद्रा फिल्म में घोड़े को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है भोजपुरी सिनेमा में, आज तक घोड़े का इस्तेमाल एक सवारी के रूप में हुआ था बट फर्स्ट टाइम घोड़े का इस्तेमाल भोजपुरी फिल्म में एक हीरो के रूप में किया जा रहा है जो बड़ा ही चैलेंजिंग है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो जो लोग भी रुद्रा को देखेंगे वो ताली बजा के निकलेंगे और बोलेंगे कि रुद्रा जैसी फिल्म हर लैंग्वेज में बननी चाहिए। डबल रोल में हूँ तो लाजमी सी बात है दो हीरोइन हैं, एक तनुश्री हैं और एक निशा दुबे हैं। निशा दुबे पहली बार काम कर रहा हूँ मैं, तनुश्री के साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ मैं, बट उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग काम करें। मेरी कोशिश यही है कि मैं जिसके साथ भी नया काम करूं कभी ऐसा ना लगे कि हम पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यही कोशिश आगे भी रहेगी मेरी। मैं कभी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता हूं। मुझे लगता है कि मैंने जो किया है मैं उससे और बेहतर कर सकता था और बेहतर कर सकता हूँ। मैं अपना आलोचक हूँ, सही मायने में बहुत बड़ा आलोचक हूँ, और इस चीज़ से मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने आप को लेकर गलत फहमी में नहीं हूँ। मैं किसी भी किरदार को लेकर के ये नहीं सोचता हूँ कि अरे ठीक है यार कर लूँगा, नहीं, मैं उसके लिए प्रॉपर तैयारी करता हूँ और उसका रिजल्ट मुझे जब मैं पर्दे के ऊपर देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, जो मैंने कोशिश की, जो मैंने तैयारी की वो पर्दे के ऊपर दिख रहा है। जिस दिन नहीं दिखेगा वो किरदार, जिस किरदार को मैं निभाता हूँ, तो मैं समझूँगा कि मेरी तैयारी अधूरी थी और अधूरी तैयारी के साथ यश कभी काम नहीं कर सकता है। मेरा नाम राम सुजान सिंह है। राम जी, जानना चाहूँगा कि आपको शो चल रहा है, किस फिल्म पे चल रहा है, क्या सीक्वेंस है? ये फिल्म है रुद्रा, फिल्म का नाम है रुद्रा, इसमें सेकंड नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो ये भाई नेगेटिव कैरेक्टर करना जो होता है, नकारात्मक कैरेक्टर करना, वो कितना बड़ा चैलेंज होता है किसी कलाकार के लिए? बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि इसमें बहुत तरह के शेड्स जीने पड़ते हैं। कभी कभी किरदार को पॉजिटिव भी करना पड़ता है, कभी कॉमेडी भी करना पड़ता है, लेकिन चैलेंजिंग भी लोड होता है क्योंकि एक विलेन ही ऐसा है जो मतलब क्या कहें, नौ रूप नौ रस के साथ जीता है। अवधेश मिश्रा जी फिल्म में बहुत उनसे कुछ आपको मिलता है सीखने को? हाँ, वो तो इस भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी सीनियर कलाकार हैं और मेन विलेन करते हैं। मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, काफ़ी पुराने, एक लोग तमह से कही कि बचपन के दोस्त हैं मेरे अवधेश जी, और उनसे काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पे प्रेरणा मिल रही है इस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। ये जाना था मैं, इस फिल्म के अलावा कौन से फिल्म में काम कर रहे हैं? अभी मैंने कसम पैदा करने वाली की है और उसके बाद ये रुद्रा कर रहा हूँ। मैं अधिकांशतः हिंदी मूवी करता हूँ, अभी मेरी आने वाली फिल्म में भी तीन चार हिंदी है। नमस्कार, मैं देव सिंह, भोजपुरी में हम अपने 50 फिल्म कर चुके हैं, वो देखते बनी। अभी हमारे फिल्म मोकामा 0 किलोमीटर रिलीज हो रहे हैं आलिया, एक दिलवाले वाला बा, कहीं सलाम वाला बा, लुटेरे वाला बिया, बाबरी मस्जिद वाला बिया, बाबरे बाप वाला बिया, ऐसे तो लोहा पहलवान वाला बिया। और अभी हमारी फिल्म चलाता है, नाम है रुद्रा। जैसा कि नाम से पता चला था कि रुद्रा मतलब शिव के अवतार के रुद्रा कहा जाला, तो ये वो टाइप का सब्जेक्ट हुआ, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट। तो इस फिल्म में हाँ यार, देखिए क्या होता है कि भोजपुरी में तब जब मैंने नेगेटिव शुरू किया तो नेगेटिव ही होकर रह गया। यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस के लिए उतनी स्पेस नहीं मिल पाती, लेकिन जो हम लोग करते जा रहे हैं, जो मिलता जा रहा है, तो यहाँ वो हो गया कि अच्छा ये नेगेटिव करता है इसको नेगेटिव में ले लीजिए, अगर ये पॉजिटिव करता है उसको पॉजिटिव ले लीजिए। तो ये बड़ा विडम्बना है भोजपुरी में। खैर, लेकिन कोई बात नहीं, एक एक्टर के लिए सब कुछ है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कॉमेडी हो,
काम करना है, काम कर रहे हैं, और नेगेटिव में करके भी खुशी मिलती है क्योंकि आप दो लोग मुझे देव सिंह के नाम से ही पहचानते हैं। और भी बड़े-बड़े कलाकार हैं सर। देखिए आदर्श के जहाँ मैं आदर्श राणा जी को देख के ही इंडस्ट्री में मतलब एक्टिंग का ख्याल मेरे अंदर आया। पता नहीं क्यों उनको देख के वो बड़ा अद्भुत सा मेरे अंदर फीलिंग आई कि यार कुछ तो बंदे में है, तो उसको देख के मेरे को भी लगा कि मैं शायद कर सकता हूँ। इस तरह मेरी शुरुआत हुई इंडस्ट्री में आने के लिए। मैं तो सीए कर रहा था कोलकाता से, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, बट लेकिन भोजपुरी में जो मेरे आदर्श तो नहीं बोलूँगा लेकिन मैं इन लोगों से बहुत सीखने को मिलता। अवधेश भैया, अवधेश जी कमाल के एक्टर हैं। अभी मैंने उनके साथ लुटेरे की थी, बाबरी मस्जिद की थी। सुशील भैया, उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं। बहुत मतलब मेरे साथ काम करके नई चीज़ सीखने को मिलती है, जिससे मुकाम में उन्होंने अपनी वॉइस के ऊपर काम किया। अवधेश भैया जिस तरह से कैरेक्टर के ऊपर काम करते हैं वो देखने लायक होता है। संजय भैया इवन थिएटर से हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे भोजपुरी में इनके साथ काम करके अच्छा लगता है, चलो भाई एक अच्छे एक्टर से काम कर रहे हैं, सीखने को मिल रहा है। अभी तो मैंने बताया जैसे कि मेरी अभी जस्ट रिलीज़ होगी, अभी दिलवाले रिलीज़ होने वाली है, पहली नज़र को सलाम रिलीज़ होने वाली है, बाप रे बाप रिलीज़ होने वाली है, लुटेरे है, उसके बाद बाबरी मस्जिद है, उसके बाद मैं भी भूल रहा हूँ, काफ़ी फिल्में हैं लेकिन लाइन में लाइन है। और मेरी एक अच्छी फिल्म है, हिंदी फिल्म है, तीन सैया बकलोल करके, जो यूट्यूब पर 12 लाख व्यूज हो गए हैं। उस फिल्म में मैं हीरो हूँ, वो पूरी स्क्रिप्ट की कहानी है, विशाल विजय कुमार जी उन्होंने घायल लिखी है, वो उसके राइटर हैं, योगी जी डायरेक्टर हैं, विशाल तिवारी प्रोड्यूसर हैं। तो मैं दर्शकों को एक बार बोलूँगा कि प्लीज़ आप वो फिल्म ज़रूर देखें, एक बार यूट्यूब पे ट्राई करें, देव सिंह मूवी सही बदल जाएगा। मैं बहुत कमाल की कमाल की ये सर, इस फिल्म में जो मेन विलन है मैं उनका बेटा हूँ, ये मेरी मंगनी की पार्टी चल रही है अभी फिलहाल। मेरा इस फिल्म में रंजीत का कैरेक्टर है, तो ये हमारी मेरी मंगनी की पार्टी चल रही है जिसका गाना चल रहा है अभी आप लोग देख रहे हैं। और बस तो ये बताइए कि आप किस तरह का नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में? सर वो तो डिपेंड करता है सर, मैं तो करना हर कुछ चाहता हूँ, हर कैरेक्टर करना चाहता हूँ। अभी तो निगेटिव मिल रहा है तो निगेटिव पर ज़्यादा फोकस है, और पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव भी करने की कोशिश करूँगा। तो अवधेश जी के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, तो कैसे कलाकार हैं कि सर, आपको कितना सपोर्ट करता है? सर औसम कलाकार, एकदम जितनी तारीफ उनकी की जाए उतनी कम। मैं उनके साथ ये मेरी 5वीं फिल्म, और मैंने जितनी बार उनके साथ काम किया है बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमेशा कैरेक्टर में किस तरह जीना है, उनके एक्टिंग, तो मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ काम कर। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ जो हर बार मैं उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिल जाता है। और आगे चलकर किस तरह किरदार निभाने वाले हैं? सर अभी तो मैं फ़िलहाल एक आगे फिल्म करने जा रहा हूँ जिसमें मैं उमेश जी का भाई बना हूँ छोटा सनम, वो 1 तारीख से शूटिंग चालू होने वाली है, उसमें भी निगेटिव ही है। तो अभी जितना भी है निगेटिव ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अब फ्यूचर में देखा जाएगा जो भी अभी कैरेक्टर आएगा। तो मैं तो हर कैरेक्टर में जीना चाहता हूँ, पुलिस बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मतलब जो कैरेक्टर है तो मैं सब पे एज एक्टर काम करना चाहता हूँ। देखिए इस फिल्म के मेन हीरो हैं हमारे यश मिश्रा जी, जिनको आप यश कुमार के नाम से भी जानते हैं, और इसमें मेन विलन है अवधेश मिश्रा। यही दो नाम अपने आप में इतने बड़े हैं कि आप समझ जाइए कि हमारी फिल्म किस लेवल की है। और हम इसका शूट कर रहे हैं एक नाइट क्लब में जो कि मेरी फेवरेट जगह हुआ करता है, वहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ ये सॉन्ग। सीक्वेंस क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये देखने आपको खुद आना होगा। ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि भोजपुरी फिल्म में खासकर आइटम सॉन्ग का बहुत अहमियत होता है, आप क्या समझती हैं कि आइटम सॉन्ग कितना रिस्पॉन्सिबल होता है, कितना जिम्मेदार होता है दर्शकों को लुभाने के लिए? देखिए भोजपुरी फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो, आइटम सॉन्ग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नहीं कि मैं इसमें आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, बल्कि इसलिए कि फिल्म में स्टोरी ऐसी होती है, कई बार बहुत गंभीर, कई बार बहुत कॉमेडी, कई बार अलग अलग मूड होते हैं। उस मूड से आपको एक बार निकालने के लिए और एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए एक सॉन्ग की ज़रूरत होती है। कभी कभी वो स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी होता है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है। देखिए किस्मत से मैं उनके साथ एक फिल्म करते करते रह गई, मतलब मैंने वो सॉन्ग किया बट सर नहीं आ पाए डेट्स की वजह से, तो इसलिए मैं उनके साथ आज पहला सॉन्ग कर रही हूँ। मैंने जैसा कि उनके बारे में सुना था उससे भी आई थिंक 1000 times ज़्यादा वो कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आपको इतना रिलैक्स कर देते हैं कि आपको नहीं लगता कि वो उनका लेवल और आपका लेवल में इतना डिफरेंस है, वो आपको एक अपने लेवल पे ला करके काम करने के लिए बहुत 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 रिलैक्स करते हैं। ये भी
देखिए लीड और आइटम सॉन्ग दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जो करेक्टर आर्टिस्ट भी होते हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। हर इंसान महत्वपूर्ण है, एक फिल्म इन सारे आर्टिस्ट लोगों के बिना नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई करेक्टर हो चाहे मेन आर्टिस्ट हो। ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में भोजपुरी आर्टिस्ट की जो मतलब प्रसिद्धि है वो विदेशों तक गई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी विदेशों तक प्रसिद्धि गई है, बल्कि मेरे ख्याल से कि हमारी इंडस्ट्री जो कि बहुत बदनाम कही जाती थी उसमें इतना बड़ा चेंज आया है, और आज हमने दिखा दिया कि नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल भी कहीं से भी गलत नहीं, क्योंकि लोग इन्जॉय करते हैं। हमारे सॉन्ग को ले लीजिए, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा गणपति है, भले महाराष्ट्र में गणपति मनाते हैं फिर भी एक भोजपुरी सॉन्ग ना हो तो मज़ा नहीं आता है। मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ इस समय, मैं तीन नाम आपको बताना चाहूँगी। एक है बागी, जिसको कि बिटवा बागी के नाम से भी आप जानते हैं। एक न्यू फिल्म है जिसका अभी तक टाइटल नहीं आया है, एक आपके सामने रुद्रा चल ही रही है, ये मेरे तीन प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा मेरे कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं, तो जल्दी ही आप मुझे और भी देखेंगे। ओ माय गॉड, आइए मैं आपको मिलाती हूँ मेरे गॉडफादर से, कानून मास्टर जी। इनको मास्टर जी कहूँ या पापा जी कहूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़े इंसान ही है, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। फिल्म का नाम रुद्रा तो सब जानते ही हैं, और ये एक सिचुएशन ऐसा है कि विलेन ग्रुप सक्सेस होते हैं और गाने के बोल, और मैं बहुत खुश हूँ कि रानू जी इसमें कर रहे हैं, और गाना बहुत अच्छा है, थोड़ा अलग है, हम लोग जो आइटम करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हो रहा है ये, बस प्रे है कि भगवान करे कि अच्छा से हो जाए। फिल्म का नाम भी टाइटल भी बहुत अच्छा है रुद्रा, और हम डायरेक्टर राकेश जी के साथ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और यंग ग्रुप है, बहुत अच्छा काम है। तो आजकल जो आइटम सॉन्ग आते हैं उसमें क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा मतलब बहुत लगता है आइटम सॉन्ग भोजपुरी फिल्मों में? आइटम अहम क्या बोले आप? आइटम सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, कितना बहुत लगता है भोजपुरी फिल्मों में? इन्जॉयमेंट के लिए तो एक आइटम होना ही चाहिए, क्योंकि हीरोइन तो आइटम नहीं करेगी, तो एक आइटम गाना होना ही चाहिए। जैसे हम पहले के दिन में कैसे मुजरे होते थे, आइटम उनको नौटंकी होते थे, आज का नाम दे दिया गया आइटम। एक इन्जॉयमेंट के लिए डांस होना चाहिए, और अच्छी अच्छी लड़कियां आई हैं, बहुत अच्छी लगता है बात करने में उनके साथ, काम करने में, और अच्छे डांसर भी हैं रानू, क्योंकि मैं इनको बहुत साल से जानता हूँ। मेरी तरफ ध्यान रख, खाली इशारे जिमी।